जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में एमपी स्टूडेंट यूनियन के छात्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा काली पट्टी बांधकर जमकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां छात्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन पर जमकर आरोप लगाए। वहीं छात्र संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के लाखों छात्रों से विगत 5 वर्षों में सभी रीजनल यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र संघ के नाम पर छात्रों से 150 करोड़ रुपए वसूल किए गए, लेकिन छात्र संघ चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में नहीं किए गए, जिसका विरोध करते हुए रानी विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांग की गई है कि इस सत्र में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं और अगर चुनाव नहीं होते हैं तो छात्रों से एक छात्र संघ के नाम पर वसूली न की जाए, जिसको लेकर एक विज्ञापन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सौंपा गया। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े 15 लाख छात्रों से लगभग 150 करोड़ से अधिक की राशि छात्र संघ के नाम पर वसूल ली गई, लेकिन आज तक छात्र संघ चुनाव करवाया नहीं गया। तो आज ये छात्र अपनी बात को लेकर आए हैं कि लोकतंत्र से देश चलता है, लेकिन यहाँ पर तंत्र भारी है लोक पर। तो हम चाहते हैं लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी और राजनीति की प्रथम पाठशाला छात्र संघ जिसको कहा जाता है, छात्र संघ बहाल किए जाएं, अन्यथा छात्रों से छात्र संघ शुल्क ना वसूला जाए, एवं जो 150 करोड़ छात्रों से वसूला गया उस पैसे का क्या भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया, अवैध वसूली हो गई, इसका छात्रों को हिसाब दिया जाए।